गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है मंगलवार और ये माघ का महीना चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो माघ के महीने को उत्तराखंड में काफी शुभ और शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है, काफी खास माना जाता है किसी भी व्रत त्योहार करने के लिए। तो इस समय हमारे यहाँ पर शादियां तो होती है, प्लस जो बच्चों की होती है ना जनेऊ संस्कार, वो भी काफी होते हैं। तो और गाइज आज है मंगलवार, तो माघ का मंगलवार स्पेशली अच्छा माना जाता है। बोलते हैं कि माघ से सावन का सोमवार कहते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ पर माघ का मंगलवार कहते हैं। तो आज मेरा भी फास्ट है हनुमान जी का, और बगल में एक पड़ोस में मैंने की उत्तराखंड की दीदी है, उनके हस्बैंड का हो रखा है प्रमोशन, तो उन्होंने दे रखी है ये मिठाई प्रमोशन की खुशी में। और एक उत्तराखंड दीदी और एक उस साइड में, तो उनके यहाँ पर आज भजन कीर्तन का अरेंजमेंट किया हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं भी इनवाइट हूँ। तो चलो फिर चलते हैं भजन में कीर्तन में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। और गाइज हमारे एक साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही कम मिल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ जितने भी न्यू यूट्यूबर होते हैं उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, पर आप लोग हमेशा सुन के भी अनसुना कर देते हो। तो प्लीज गाइज जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली के साथ में उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से भी कीजिए बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो ओके फिर चलिए चलते हैं वहां पर कीर्तन में। तो मैं हो गई हूँ तैयार कीर्तन में जाने के लिए, और टाइम हो रहा है 10:30। घर के सारे काम हो चुके हैं, दीदी का जो पड़ोस से आने वाली है वो भी उत्तराखंड दीदी है, तो हम दोनों जाएंगे उनके यहाँ पे कीर्तन में। और उसके बाद अभी कुछ काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इसके पापा फायरिंग के लिए गए हैं। बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग में मैंने आलू और मटर की सूखी सब्जी दी थी और पूरी दी थी उनको टिफिन में, वही कुछ आलू बचे हुए हैं, तो सोचते उसमें ही गोभी मिक्स करके उनके लिए गोभी के पराठे बनाती हूँ गरम गरम। वो तो मैं जब वो आएंगे तब बनेगा, लेकिन अभी तो मैं सोचती सिर्फ आटा लगा के छोड़ने गूंथ के रख देती हूँ ताकि उसमें मुझे बनाने में इजी हुई। तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, जब तक दीदी नहीं आती है फिर हम चलेंगे वहां पर जहाँ पर कीर्तन है। तो मिलते हैं कुछ देर में, आप यही ब्लॉग पे बने रहिएगा। प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिएगा, और कोई मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो हम उस पर काम करेंगे पक्का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो दोस्तों वो दीदी आ गई है, हम चलते हैं, साथ में पार्थ भी आ रखा है। दीदी बोली ब्लॉग बना रही, हमने कहा हाँ भाई तो हम चलते हैं अब दीदी के यहाँ। लोकेशन में जहाँ पर कीर्तन है, मैंने कहा था कि सोचे पास में था पर पास में नहीं, जहाँ था दूर में है वहां से। तो चलो फिर चलते हैं। ये है वीडियो नॉस्टैल्जिक आज वीडियो को बोल मैं फोन कर छने मैं जो आला हूं क्यों फिर तो बने इधर उधर ठीक है मैं बाहर जा या अच्छा यहाँ से तो मंदिर है। अच्छा चुन्नी हाँ ये है इनका मंदिर। ओ दी ये कारीगर भी है इनकी यार। अरे भजन तो हाल है, पतो झाला रे तीन जनी मत जी जनी मले को न इन ब्याह में तो इन्हीं ब्याह का आने वाली हो आदि इन और उन जो वो दीदी को फोन हो उन्होंने उनका फोन मतलब बोले चंद्र सुंदर हां
हैं दिन के 1:30, तो मैं जल्दीबाजी में वहां से आई क्योंकि गुनगुन के पापा घर आ गए थे, तो उनके लिए खाना बनाना था, तो मैं जल्दीबाजी में उनके लिए नहीं फटाफट मैं एक बैठे प्लान रख के चलती थी क्योंकि मान था ये आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए बनाए दिन में गोभी के पराठे, सुबह की पूरी भी हो गई, सब्जी भी हो गई, चटनी भी जो मैंने सॉस बनाया था वो भी हो गई, और प्लस दही भी हो गया, तो उनके तो हो गए बल्ले बल्ले। तो हेलो फ्रेंड्स, शाम के हो रहे लगभग 6 बजने वाले हैं, तो मैंने और एक जो दीदी है उन्होंने प्लान बनाए हैं क्यों ना आज बर्थडे भी है, फास्ट है तो हमारा, तो आज मंगलवार भी है तो जो हमारा राम मंदिर है वहां चलते हैं करके, तो हम दोनों जा रहे हैं वहां को, अभी वो आई नहीं है, आने वाली है, और सनी गुन्नू यहां पर देख रहे हैं टीवी, स्कूल से आने के बाद में सनी के हाथ में लगी है चोट, उसने फुटबॉल वॉलीबॉल तो ये उंगली में लगी है चोट, लिखा है यहाँ पर, तो ये उंगली काम यूज नहीं हो रही है, तो ये आज नहीं गया, गुनगुन गई थी साथ में मेरे, गुनगुन गई थी मतलब क्लास करने के लिए, वो करके आ गई है और ये देख रही है टीवी, ये वही टीवी जिसको हमने उल्टा किया था क्योंकि इसकी स्क्रीन उल्टी हो गई थी। तो चल कुछ देर बाद चलते हैं हम राम मंदिर की साइड में, तो वहां का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, और दिन के लिए अभी शाम को जो मैं खाऊंगी व्रत में, क्योंकि हनुमान जी के व्रत में मीठा खाते हैं, तो मैंने ये दलिया भिगो के रख दिया है, ये तो मैं यही बनाऊंगी और यही खाऊंगी। तो बस गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, तो आई होप आप लोगों का थोड़ा सा ब्लॉग पसंद आया होगा हमारा, और प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तो ओके फिर बाय बाय।